तो इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बिलासपुर जुगादरी मार्ग पर जो एक बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की जो बस है वो किस तरीके से पेड़ से टकराई। आपको बता दें अभी अभी सूचना मिली थी कि रंजीतपुर रोड की जो है बस है, इसका एक अभी अभी भयंकर हादसा हुआ है। किस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे भी जान लेंगे आखिर क्या कुछ वगैरह क्या हुआ था। भाई जी रोडवेज की बस पलटी गई यहाँ पे, ड्राइवर को चोट लगी है, ड्राइवर सिर में चोट लग रही है। कितनी चोट लगी है? काफी ज्यादा। सवारियां भी थी, भरी बस थी? हाँ जी भरी बस। क्या लगता है ओवरटेक करते हुआ था, कैसे हुआ था? वो पता नहीं, ये तो हमको भी नहीं पता है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि जगाधरी मार्ग पर जो है कुछ ही देर पहले जो है हरियाणा रोडवेज की है जो बस है इसकी जो है पेड़ से टक्कर हुई है। हालांकि क्या कारण है, किन वजह से हुई है, क्योंकि आपको पता ही है कि हाए दिन जो है सड़क हादसे सड़कों पर होते हैं। और अभी अभी हरियाणा रोडवेज यमुनानगर की बस जो है किस तरीके से किसी गाड़ी को जो बताया जा रहा है कि ओवरटेक कर रही थी, और ओवरटेक करते करते ही जो है पास में ही जो है खड्ड है उसमें जा गिरी, और जहाँ जाते ही पेड़ से टकराई। हालांकि सवारियों को जो है काफ़ी ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन एक महिला को जो है गंभीर चोटें आई हैं, जिनको पास के ही स्थानीय हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ओवरटेक करते हादसा हुआ है, अनियंत्रित होने के बाद जो है ड्राइवर जो है इस बस का नियंत्रण खो बैठता है और जाके सीधी जो है पेड़ से जा टकराती है। यहाँ पर बिलासपुर के थाना प्रभारी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ था। सवारियों उस टाइम अंदर से निकल रही थी, कुछ हमने निकाली बीच में से, जो दो चारों जो पैसेंजर थे उनको थोड़ी थोड़ी मामूली चोटें हैं, उनको सबको यहाँ से फर्स्ट एड के लिए भेज दिया उसमें शिफ्ट कर। तो सर क्या कारण है, ओवरटेक करते हादसा हुआ, कैसे हुआ? नहीं ये तो ड्राइवर बताएगा, अभी ड्राइवर भी इंजर्ड है, उसको भी चोट है। ड्राइवर को भी चोट है, अभी वही बताएगा क्या हुआ। कहाँ से कहाँ जा रही थी सर बस? ट्रक, ये बस रंजीतपुर से आई थी और यमुनानगर जा रही थी। कहीं ना कहीं सर बरम कच्ची है जिस वजह से हादसे हुए, सड़क छोटी होने की वजह से हादसे? नहीं ऐसा नहीं है, सड़क बहुत खुली चौड़ी सड़क है, ये तो कोई ड्राइवर ही बताएगा, कोई स्टेयरिंग फेल है, ब्रेक फेल है या क्या कारण हुआ वो ही बता पाएंगे। किस किस कितनी चोट लोगों को चोटें लगी सर? ये मामूली चोटें हैं, 7-8 ड्राइवर को, ड्राइवर को थोड़ी ज़्यादा है, एक गुड़िया है 14-15 साल की, उसकी भी कमर में थोड़ी चोट है, उसको भेज दिया हॉस्पिटल, भेज दिया। हाँ हॉस्पिटल भिजवा दिया हमको सबको मैंने। तो ये हमारे साथ थाना प्रभारी बिलासपुर बलबीर सिंह से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी है। आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जगाधरी बिलासपुर रोड पर चंगनोली से रामखेड़ी के रास्ते में जो है एक बड़ा हादसा होते होते टला है। कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो जाता, 112 की गाड़ियां भी जो है यहां पर मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आए दिन जो है हादसे होते हैं, ओवरटेक करते ही बड़ी मुश्किल से जो है ये बड़ा हादसा टला है, नहीं तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि रोडवेज में करीबन 50 से 55 सवारियां जो इनमें होती हैं, और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है तो इसमें एक बड़ी हानि हो सकती है। लेकिन ड्राइवर जो है बताया जा रहा है कि ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं, ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। ये बस है, आपको बता दें कि किस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है। हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। आपको क्या पता लगा था? कोई भी पता नहीं, लड़की ने फोन करा था, कहा भी मम्मी चोट लगी, बस का एक्सीडेंट हो गया कहा। अच्छा तो काफी चोटें लगी हैं? हाँ जी काफी लग रही, वहाँ पर पूरी लग रही है। और रणजीत पर आई थी जी, यमुनानगर जाती कुछ भी नहीं करती जी, बस वही काम था, जा रहे थे छोटी लड़की के लिए लड़ाई फेरी थी, वहाँ जा रहे थे थाने में, लगे खासी लग रही बाबा खर बाजू को क्रैक है उसकी। आगे नहीं पता है, देखो आपको क्या कुछ नहीं, क्या कह सका हम तो, गली मोटरसाइकिल वहाँ से भाग गए। क्या सूचना क्या मिली थी? के एक्सीडेंट हो गया बस का, बस चोट लग गई। किसकी गलती लग रही है? ऐसे कैसे बता दें, अभी कहाँ भेजा उसको? जगाधरी ले गया, तो उसका घर वाला हॉस्पिटल में लग रहा। कितनी उम्र है आपको? पता नहीं, जम तो पीछे थे। अच्छा क्या हुआ? बस ब्रेक कर फेल हुए बस के, एकदम से ब्रेक लगे थे। हाँ जी। तो कितनी सवारियां थी बस में? काफी थी सवारी। तो ड्राइवर तेज चला रहा था बस, क्या धीरे हुआ? क्या था अचानक से पता लगा, क्या हुआ था? आगे से गाड़ी आ रही थी। आगे से कोई गाड़ी आ गई थी तो आपको चोट लगी है? हाँ जी। कौन कौन थे आपके साथ? लड़की मेरी, मैं थी। मेरा तो लड़का लेके आया मैं यहाँ हॉस्पिटल में। वो आगे सूचना तो यही मिली थी भाई के ओवरटेक कर रहा ड्राइवर, पर कोई आया उसने ओवरटेक करा ड्राइवर ने, तो ओवरटेक करने की वजह से हादसा हो जाए। हाँ बस तो ठीक ही थी। हाँ सर सरकार की गलती है ये तो, हाँ सड़क छोटी है, हाँ बिल्कुल नहीं है, कतई बिल्कुल पोल खड़े सड़क हमारे, तो हम भी कहाँ छोटा तो काफ़ी की बोल रखा जी उसमें देखा।
तो घायलों को जो है बसाती हॉस्पिटल में ले आया गया। आपको बता दें कि आए दिन इस रोड पर बड़े हादसे होते हैं। किस तरीके से अभी सूचना मिली थी कि एक रोडवेज की बस जो है अनियंत्रित होकर जो है पेड़ से टकराई है, जहां पर सवारियों को जो है काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। एक व्यक्ति की जो है, एक महिला की बताया जा रहा है काफी ज्यादा चोटें हैं, जिसमें एक लेडीज थी जिसकी जो है बाजू तक बताया जा रहा है कि उसकी बाजू में जो काफी ज्यादा फ्रैक्चर है, काफी ज्यादा चोट आई है, उसको जो है जगाधरी के लिए रेफर कर दिया गया। आप सभी से अपील है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। आपको बता दें कि आए दिन ये रोड छोटा होने की वजह से जो है यहाँ पर ओवरलोडिंग वाहन चलते हैं, माइनिंग की गाड़ियां चलती हैं, जिस वजह से जो है रास्ते में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। और इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं बसाती हॉस्पिटल के बाहर से, जहां पर आपको बता दें कि पेशेंट को अंदर यहां पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जगाधरी बिलासपुर रोड पर जो है हरियाणा रोडवेज की बस का एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर हादसा इतना गंभीर था कि जितनी भी सवारियां सुरक्षित बच चुके, लेकिन ड्राइवर को जो है बहुत ज्यादा चोटें लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरों देखने के लिए HR71 के साथ जुड़े रहे और देखते रहे HR71।